हे गाइस वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिर आप से फिर दोबारा से आए हैं बीकॉम प्रोग्रामर और बीकॉम ऑनर्स के लिए। थर्ड सेमेस्टर जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर हो उनके लिए बुक बन रही है, सीरीज बन रही है पूरी। हाँ जी, किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर तीन है और सेमेस्टर पांच हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो आराम से। हाँ जी, जो वीडियो है वो किसकी है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, यानी कि एचआरएम की वीडियो है। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 13 और एम्प्लॉई हेल्थ सेफ्टी के नाम से, ठीक है भाई। चैप्टर 13 कौन सा है? एम्प्लॉई हेल्थ और सेफ्टी। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम जो फैक्ट्री वाले होते हैं या फिर जो कंपनी वाले होते हैं वो अपने एम्प्लॉई को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी हेल्थ कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं एनवायरमेंट के अंदर, यानी कि जो एम्प्लॉई का कंपनी का एनवायरमेंट है उस कंपनी के एनवायरमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा जाए। आसान है, ठीक। अच्छा, इससे पहले अगर बहुत सारे चैप्टर बन चुके हैं, अगर आपको नहीं दिखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फटाफट से देख के आओ पहले दूसरे चैप्टर, ठीक है भाई। हाँ जी, तो फटाफट चालू करते हैं। और चालू करने से पहले फिर वही बात, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, जो कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप आराम से व्हाट्सएप पे कर देना, और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते ही आप आराम से नोट्स परचेज करते हो भाई। कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सएप का यूज करना, ठीक है। हाँ जी, और कॉल मत करना जल्दी से जल्दी, क्योंकि कॉल कई बार होता है आपकी बिजी मिलती है, कभी बार हम बिजी मिलते हैं, तो इस वजह से कोशिश करना व्हाट्सएप करें, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिप्लाई आएगा, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। फिलहाल शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बात आती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ की। एम्प्लॉय हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय का हेल्थ कैसा होना चाहिए, सेफ्टी कैसा होनी चाहिए, तो बिजनेस के अंदर हेल्थ कैसी होनी चाहिए वो बात कर रहे हैं। तो हेल्थ होती क्या है, पहली चीज ये पता होनी चाहिए। हेल्थ क्या होती है? मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, और जो हमारी जो कि मतलब जितने भी एनवायरमेंट आसपास का, मतलब उसकी वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेल्थ क्या होता है? हमारी मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आसान है ना? हाँ जी, तो उसी को बोलते हैं बस हेल्थ अच्छा होना। तो हेल्थ क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एंड द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि क्या होता है भाई हेल्थ? मतलब हेल्थ मतलब होता है फिजिकल, सोशल और मेंटल कंडीशन का अच्छा होना। आसान है? और शरीर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि क्या बोलते हैं, शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आसान भाई? हाँ जी, तो शरीर में कोई बीमारी ना हो, मेंटल हेल्थ सही हो, फिजिकल हेल्थ सही हो और वेलबींग हो, कोई दिक्कत नहीं ना, सोशल हमारी जो हेल्थ है वो वेलबींग हो, अच्छी हो। आगे चलते हैं, बहुत आसान चैप्टर भाई, छोटा सा चैप्टर और जल्दी खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है भाई वर्किंग कंडीशन अफेक्टिंग हेल्थ। जो वर्किंग कंडीशन है यानी कि जो काम करने वाला एरिया होता है वो किस तरीके से एम्प्लॉई की हेल्थ को अफेक्ट करता है, यानी अगर आपके एम्प्लॉई काम कर रहे हैं किसी एरिया में तो वो किस तरीके से उस एरिया उस एम्प्लॉई की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, क्लीनलीनेस। अगर मान लो एरिया गंदा है, जो आसपास का एरिया है वो गंदा है, तो एम्प्लॉई जो होगा वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि मान लो पानी भरा हुआ है तो डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर वच्छर घूमते रहेंगे, तो इस वजह से एम्प्लॉई क्या होता है, बीमार होता है। तो आपको क्या रखना है भाई, वहाँ पे साफ सफाई रखनी पड़ेगी। अभी मैं खाली वो बता रहा हूँ दिक्कत है कि कौन कौन सी एरिया दिक्कत हो सकती है, किस वजह से जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होगा वो किस तरीके से हेल्थ को अफेक्ट करेगा। पहला किसकी तरीके से? क्लीनलीनेस के तरीके से, सफाई के तरीके से। अगर सफाई नहीं है तो हेल्थ बीमार होती है, हेल्थ खराब होती है। आसान है ना? आज अगली चीज टेम्परेचर। वहां का टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है हमारी हेल्थ को। अगर मान लो मेरे को रहने में गर्म एरिया में रहने की एनवायरनमेंट है, मतलब गर्म एनवायरनमेंट है ना, शांत नहीं होते। हाँ जी, मान लो मेरे को अगर गर्म एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, ठीक है, और मैं एकदम से चला जाता हूँ ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे मेरे को बर्फों में काम करना पड़ रहा है, ठीक है, रोज बर्फ की सीढ़ियाँ उतारी जा रही है, रोज बर्फ की सीढ़ियाँ निकाली जा रही है, ठीक है। हाँ जी, तो उससे मेरे को ना हेल्थ खराब हो सकता है, मतलब मेरा जो हेल्थ है वो बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए, क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉई है उनके अकॉर्डिंग जैसा उनको पसंद आता है वैसा टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या कर पाए, काम कर पाए। आगे चलते हैं भाई, अगला आता है डस्ट कंट्रोल। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर धूल मिट्टी उड़ रही है तो फिर वो सांसों में जाएगी, जिसकी वजह से फेफड़े खराब हो गए, ठीक है, और एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो बीमारी रहेगा हर बार, ठीक है, जिससे आउटपुट भी आपका कम होगा। तो डस्ट कंट्रोल करना होगा, क्योंकि डस्ट कंट्रोल नहीं हो पाएगा भाई तब तो सारी चीजें बर्बाद हो गई। तो आसपास देखना पड़ेगा, अगर डस्ट है किसी एनवायरमेंट के आसपास तो क्या बोलते हैं, ये अफेक्ट करेगा एम्प्लॉई की हेल्थ को। अगली चीज लाइटनिंग। कई बार क्या होती है, लाइटनिंग भी अफेक्ट करती है। हम मान लो हमने कोई ऐसी लाइटिंग रख ली जिसमें बहुत ज्यादा भड़काऊ लाइटिंग है, जैसे क्या होता है आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे लोग ज्यादातर कैसे वीडियो बनाते हैं, दो तरीके से, एक तो ऐसी होती है जिसमें लाइटनिंग आ रही होती है, रोशनी आ रही होती है कि हर तरफ से दिख रहा होता है साफ साफ, ठीक है। एक दूसरी वीडियो बनती है जैसे सिनेमेटिक लुक देने की कोशिश करते हैं, कुछ आपने देखे होंगे पूरा कमरा काला कर देंगे, खाली वही अकेला इंसान बैठा होता है और वही बोल रहा होता है, वही बात कर रहा होता है, है ना, तो उसके ऊपर लाइटिंग है, अकेले इंसान के ऊपर पूरा कमरा क्या है, काला हो रखा है, तो फिर अलग अलग तरह की लाइटिंग कंडीशन होती है। अब मान लो उसी की जगह मैं एक ऐसी वीडियो कर दूं जिसके अंदर पूरी पूरी वीडियो पीली है, सॉरी, हाँ, वीडियो पूरी पूरी वीडियो पीली हो गई, ठीक है भाई। हाँ जी,
तो अगर ऐसी पूरी वीडियो फील होती है अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी नहीं लगती भाई। स्टार्टिंग में ठीक लगता है, हाँ ठीक आ रही है, लेकिन बात क्या होती है बाद में ना, करते करते धीरे धीरे ना क्या होता है, आंखों पे जोर पड़ने जाता है और आंखें खराब होने का चांसेस होता है, या फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता काम के ऊपर। तो लाइटनिंग कंडीशन भी जो है ना वो एनवायरमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगली चीज क्या आती है, नॉइस। नॉइस मतलब होता है शोर शराबा। अगर एनवायरमेंट के आसपास बहुत ज्यादा नॉइस हो रही है जो कि इरिटेट कर रही है कानों को या फिर दिमाग खराब कर रही है, जैसे मेरा दिमाग खराब कर देती है, पता नहीं क्या बोलने लग जाता हूँ फिर मैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आसपास का नॉइस क्या होते हैं बहुत ज्यादा होती है तो भाई इससे इरिटेट होता है इंसान और क्या होते हैं दिक्कतें भी होती है इंप्लॉइज को हेल्थ के ऊपर, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये ऐसी चीज है जो दिक्कतें उठाती है भाई, बहुत टॉपिक बार मतलब अलग अलग नामों से पूछेगा, अलग तरीकों से पूछेगा कि एनवायरनमेंट ऐसे बता दो या फिर ऐसे इफेक्ट्स बता दो जिसकी वजह से जो इंप्लॉय है उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स क्या आने, इसके अलावा भी बहुत है, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो ओवरक्राउडिंग मतलब कि भीड़ भाड़ कर दी अपने उसके अंदर कंपनी के अंदर, बहुत सारे लोग भरे हुए, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, कोई क्या होता है कहीं से मलेरिया वाले ले आया या फिर डेंगू वेंगू ले आया उठा के, तो भाई पूरी कंपनी के अंदर हो सकता है वो फैल सकता है। तो इस वजह से अगर आपने ओवर क्राउडिंग कर रखी है तब भी बीमारियां फैलती हैं, है ना। और भी रीजन है, जैसे कि आपका जो क्या बोलते हैं उसे बाथरूम और टॉयलेट जो है वो खराब हो रखे हैं, या फिर आपने ठीक से साफ सफाई नहीं करवाई है उनमें, ठीक है, या फिर जो इंप्लॉय आते हैं वो ठीक से प्रोटेक्शन के साथ नहीं आते, मतलब मास्क वास्क नहीं पहनते और क्या होते हैं वैसे ही काम करते हैं, खांसी जुकाम एक दूसरे के ऊपर छींक डालते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से भी एनवायरमेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। आगे चलते हैं, फिलहाल अगला आता है टॉपिक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड डिजीज। ऐसी डिजीज जो बिजनेस के वजह से फैल सकती हैं, यानी कि बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, बिजनेस जो चल रहा है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है, इंडस्ट्री जो चल रही है, फर्म जो चल रही है, फॉर्म के अंदर जो काम होता है उस काम के होने की वजह से इंप्लॉई को दिक्कतें हो सकती हैं। पहला दिक्कत क्या, केमिकल सब्सटेंस। कंपनी हमारी ऐसी है जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस का यूज होता है, जैसे दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, ऐसे लोग बहुत बेकार लगते हैं भाई, मैं वो पूरे रास्ते में पीप बना के जाते हैं। हाँ जी, तो कंपनी केमिकल सब्सटेंस क्या होता है भाई, ऐसे मतलब कि केमिकल्स का यूज करना, जैसे कंपनी के अंदर, जैसे मान लो कोई दवाई बनाने वाली कंपनी के अंदर इंप्लॉय काम करते हैं, तो उस दवाई बनाने वाली कंपनी में हर बार केमिकल यूज किया जाता है और वो केमिकल जो होता है कई बार बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इस वजह से कई बार क्या ज्यादातर बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इस वजह से कंपनी के जो अंदर केमिकल का यूज किया जा रहा है, मतलब कंपनी में जो केमिकल्स का यूज किया जा रहा है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। अगला बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड क्या होता है, मान लो कोई भाई कोई एम्प्लॉय हो गया, वो आया कंपनी के अंदर, लेकिन वो क्या होता है डेंगू मलेरिया ऐसी कोई बीमारी ले आया था, या फिर मान लो क्या होते हैं और कोई सी बीमारी मान लो भाई वो ले आया था, या फिर कोई फ्लू ले आया था और उसने पूरी कंपनी के अंदर फैला दिया, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ऐसे बायोलॉजिकल हैजर्ड भी आ सकते हैं, दिक्कतें भी आ सकती हैं जिससे कंपनी के एम्प्लॉय जो होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। अगला एनवायरमेंटल हैजर्ड। एनवायरमेंटल हैजर्ड मतलब होता है भाई एनवायरमेंट जो होता है ना उससे दिक्कतें होती हैं, एनवायरमेंट से दिक्कतें, मतलब जैसे कि वही टॉपिक है कि आसपास कूड़ा पड़ा हुआ है या फिर आसपास कचरा पड़ा हुआ है या फिर वो साफ सफाई नहीं रहती हमेशा, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकते हैं तब भी दिक्कत हो सकती है एनवायरमेंट की वजह से। अगला एटमोस्फेरिक कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकती है भाई, दिक्कतें हो सकती हैं थोड़ी सी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं काम किया जाता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे एटमोस्फेयर है ना हर बार चेंज होता था, कभी गर्मी वाला कभी ठंडी वाला, कभी गर्मी वाला कभी ठंडी वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जो होती है कांच बनाने वाली कंपनियां या फिर जो कांच से वो चीजें बनाती हैं, वहां पे क्या होता है पहले भट्टी में जलाया जाता है कांच को, फिर उसको ठंडा किया जाता है फ्रिज के अंदर, फिर भट्टी में जलाया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, मेटल बनाने वाले जो वो होते हैं, ठीक है, मेटल के रॉड वॉड बनाने वाली, तो फटाफट गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, तो इस वजह से वो बार बार एटमोसफेयर जो होता है वहाँ का चेंज होता रहता है, और इस चेंज होने की वजह से क्या हो सकती है प्रॉब्लम्स हो सकती है। आगे चलते हैं भाई, मतलब कंपनी में होने वाली प्रॉब्लम्स ये है कि जो कंपनी से हो सकती है क्या होता है प्रॉब्लम्स। चलो बोलते हैं अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हैजर्ड, यानी कि जितनी भी हेल्थ की दिक्कतें हैं उससे कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, तो दो तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, पहला प्रीवेंटाइन ठीक है प्रीवेंटाइन मेजर में क्या होता है अपने एम्प्लॉय का ना लगातार चेकअप करवाया जाए, पीरियोडिक चेकअप करवाया जाए, लगातार चेकअप करवाया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत मिलती है उसका इलाज करवाया जाए, ठीक है, और जो वुमेन्स हो गए या फिर जो बाकी लोग हैं काम करने वाले मेंस हो गए उनकी क्या होते हैं प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए कि भाई जो कपड़े पहन के आ रहे हैं वो ठीक तरीके से पहन के आ रहे हैं, जैसे कपड़े कंपनी में चाहिए होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं भाई साड़ी वाड़ी के चक्कर में, मतलब कि मान लो कंपनी में अलग अलग तरीके से काम होते हैं भाई, मान लो एक मशीन पे काम कर रही है और लेडीज जो है वो साड़ी पहन के आई और क्या होते हैं उसके चुन्नी वुन्नी कुछ भी हो सकती है जो उसमें फंस सकती है मशीनों के अंदर, तो ऐसी ऐसी चीजें ना हो तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, अच्छा इससे तो एक्सीडेंट हो सकता है,
ठीक है हाँ, मगर भाई चलते हैं, दिक्कतें भी हो सकती है। जैसे मान लो कुछ एम्प्लॉय ऐसे, जैसे मैंने देखा कुछ एम्प्लॉय कंपनी में काम करने के लिए पैंट की जगह कच्चे पहन जाते हैं, कच्चे पहनने की वजह से भाई नीचे का जो होता है वो पूरा पूरा एरिया एक्सपोज हो जाता है। अब एक्सपोज होने के चक्कर में चलते हैं, उनको कोई भी बीमारी लग सकती है वहां से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो जैसे कंपनी में बोल रखे हैं इस तरीके से कंपनी में कपड़े वपड़े पहन के आए, प्रोडक्ट का अपना चेकअप करवाएं, और क्या लेते हैं फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए उन्हें, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में देखते रहे कि क्या चल रहा है, दवाइयाँ लेते रहे हर चीज की, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई क्रिएटिव मेजर। क्रिएटिव मेजर क्या है भाई? यूज लेस टॉक्सिक्स मटेरियल, यानी कि अब ये कंपनी को खुद करना चाहिए। जैसे वहां पे क्या था ऊपर वाले में कि फर्स्ट एड चेकअप वगैरह हमेशा खुद करवाते रहे, फर्स्ट एड रखा हुआ हमारी कंपनी के अंदर, ये सब चीज होनी चाहिए, ठीक है। फैसिलिटी ये कंपनी खुद करती है, यानी कि ना कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो टॉक्सिक मटेरियल है या फिर जो दिक्कतें करती है केमिकल्स, उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जितना कम कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो कम से कम केमिकल्स का यूज किया जाए। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई स्टैट्यूटोरी प्रोविजंस कंसर्निंग हेल्थ। ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसकी वजह से जो हेल्थ को क्या सकते हैं खराब होने से बचा सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जो हेल्थ को खराब होने से क्या सकते बचा सकते हैं। ये जो भाई दिक्कतें थी ना, जिस दिक्कत थी वही बन जाएंगे वहां पे क्या प्रोविजंस। जैसे कि यहाँ पे दिक्कत क्या थी, क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई नहीं है, तो इस वजह से हेल्थ खराब हो सकती है, तो भाई साफ सफाई कर दो जिस वजह से हेल्थ सही हो जाएगी। अगला लाइटनिंग नहीं है, तो लाइटनिंग वजह से हेल्थ खराब हो सकती है, लाइटनिंग ठीक कर दो तो उसकी वजह से हेल्थ सही हो जाएगी। अगला टेम्परेचर खराब है, तो टेम्परेचर खराब है तो टेम्परेचर ठीक कर दो, उसकी वजह से हेल्थ सही हो सकती है। अगला नॉइस, नॉइस और ये क्या होते हैं बहुत ज्यादा कंपनी में, तो उसको ठीक कर दो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाँ जी क्या होता है हेल्थ सही हो जाएगी। ऐसी भाई वेस्ट डिस्पोज, जो हमारा वेस्ट से होता है मतलब कूड़ा कचरा जो होता है वो सारा साफ सफाई रखो उसके अंदर, तो फिर आराम से हो जाएगा। डस्ट जो होता है कूड़ा मतलब कि धुआं मिट्टी ये सब चीजें उड़ रही है खामा खामा कंपनी में, ठीक है भाई, तो उसको साफ सफाई रखोगे, उससे प्रिकॉशंस रखोगे, उससे अपनी कंपनी साफ हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग यानी बहुत सारी भीड़ भाड़ आ रही है कंपनी के अंदर, तो फिर वही उसको कम करो, शिफ्टों में बांटो कंपनी के काम करने वाले एम्प्लॉयज को, तो इससे दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद भाई जो लैट्रिन बाथरूम का एरिया है या फिर जो क्या होते हैं यूरिनल्स होते हैं या फिर जो लैटरिन सुनती है उनको साफ एरिया को, उन एरिया को साफ रखो उन एरिया को साफ रखोगे तो इससे दिक्कतें क्या हो जाएंगी सही हो जाएंगी। बस गले की दिक्कत ठीक नहीं हो रही, मेरे दिमाग खराब हो रहा है। हाँ जी, एम्प्लॉय सेफ्टी, एम्प्लॉय सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा भाई। अब ये एम्प्लॉय सेफ्टी होती क्या है? सेफ्टी मेजर्स नॉट ओनली रिजल्ट इन रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बट ऑल्सो रेजिंग इंडस्ट्रियल एफिशियंसी। सेफ्टी मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय के क्या होते हैं एक्सीडेंट्स को बचाना ही नहीं, हमारी एफिशियंसी बढ़नी भी चाहिए। तो सेफ्टी मतलब क्या होता है कि इसी तरीके से सेफ्टी मतलब क्या होता है, एक ऐसा काम करना, कोई ऐसा तरीका लेके आना जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो एक तो बचे बचे और ऊपर से हमारी जो एफिशियंसी है एम्प्लॉयज से वो निकल के आए, मतलब एफिशियंसी और तेज बढ़ जाए हमारी, ठीक है। हाँ जी, अगला चलते हैं भाई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इट इज एन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू वन और मोर पर्सन। यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट मतलब होता है कि क्या बोलते हैं कंपनी के अंदर एक या एक से ज्यादा किसी भी इंसान को, मतलब कंपनी के अंदर किसी भी इंसान को बॉडीली इंजरी हो रखी हो, यानी कि चोट वोट लग जाता है या मान लो कोई दिक्कत ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से कंपनी में किसी को भी चोट लग गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। समझा, एक्सीडेंट वैसे दो तरह के होते हैं, एक एक्सीडेंट वो भी होता है कि हमारा प्रोडक्शन का लॉस हो गया या फिर किसी वजह से हमारा जो सामान था वो खराब हो गया, लेकिन यहाँ पे सामान की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पे एचआरएम है यानी ह्यूमन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। अगर ह्यूमन के किसी भी तरह के इंसान को किसी भी तरीके की चोट लगती है कंपनी के अंदर तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। आसान भाई, हाँ जी शुरू करते हैं। द मेजर्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि मेजर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बताया कैसे जाता है कि कितने लोगों की एक्सीडेंट हुई है या फिर कितनी दिक्कत हुई, दिक्कत हुई है, ठीक है, कितने लोगों को चोट लगी है, ठीक है भाई। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट कैसे निकालेंगे और एक्सीडेंट सेवरली रेट कैसे निकालेंगे, यानी कि एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट मतलब जो क्या होते हैं जिन लोगों को चोट लगी है उनकी रेट, और क्या होते हैं सेवरली रेट मतलब जो उससे जूझ रहे मतलब कि जिनकी डेथ हो गई है उसका रेट। और सर वो कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ इंजरीज, जितने लोगों को चोट लगी है वो लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे जितने घंटे उन्होंने काम किया और इंटू में कर देंगे 10 लाख। समझ में आया, हाँ जी, 10 लाख मतलब एवरेज, एवरेज हम निकालते हैं महीने का। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे काम करवाया उनसे महीने, महीने में चलते हैं उन्होंने कितने दिन काम किया मान लेते हैं, कितने घंटे काम किया एग्जांपल के तौर पे, महीने में कितना टाइम उन्होंने काम किया है, नंबर ऑफ टोटल मैन आवर वर्क मान लो एक महीने के अंदर एक एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, 1200 घंटे काम किया खाली, एक एम्प्लॉय ने एक महीने के अंदर कितने घंटे काम किया, 1200 घंटे काम किया,
ठीक है। हाँ जी, क्योंकि घंटे 24 होते हैं, 24 के हिसाब से 3 करोगे तो आराम से 1200 घंटे काम कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय ने 1200 घंटे काम किया, जिसमें से ना उस मतलब जितने भी इंप्लॉय थे उन्होंने हर महीने मतलब 10 इंप्लॉय में से मतलब 10 इंप्लॉय है मेरे पास और 10 इंप्लॉयों ने 1200 घंटे काम किया, उसमें से एक इंप्लॉय को क्या लग गई है, चोट लगी है। तो 1/12 में 1200 इंटू में 10 लाख कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कितने लोगों को चोट लगी और कितने लोगों की क्या होती है, डेथ होती है। तो ऐसी भाई उन्होंने रूल दे रखा है, मैं तो 100 लगाता वहाँ पे कि परसेंटेज में निकलता ज्यादा बेटर रहता, लेकिन उन्होंने 10 लाख दे रखा है। फिलहाल आगे चलते हैं, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट क्यों होते हैं उसकी बात है भाई। पहला कॉज क्या है, अनसेफ कंडीशन, हमारी जो कंपनी है उसमें ना कंडीशन जो है एम्प्लॉय का काम करने के लिए वो सेफ नहीं है। कैसे सेफ नहीं है, जॉब इटसेल्फ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इसी का पार्ट है ये, ठीक है। हाँ जी, कंडीशन अच्छी नहीं होती, जैसे कि जॉब इटसेल्फ, जैसे मान लो कुछ कंपनी में कुछ बंदे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं लेकिन उसका जो पार्टनर है वो आया नहीं, तो कंपनी का मैनेजर या फिर सुपरवाइजर बोल देते भाई तेरे को भी ये काम करना पड़ेगा, वो वाला काम छोड़ दे, इस काम को कर ले पहले, ठीक है। हाँ जी, तो जिस काम में वो परफेक्ट नहीं है उसको दे देते हैं वो वाला जॉब, तो वो बंदा जॉब को मतलब उस जॉब को खुद को करने हमको दे देते हैं करने के लिए। तो जॉब इटसेल्फ इस वजह से क्या हो सकती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो बंदा उस काम को करने में क्या है, ट्रेनिंग नहीं है। अगला चलते हैं भाई, वर्क शेड्यूल। कई बार क्या होता है, टाइम का ऐसा शेड्यूल होता है भाई कि किसी को शाम को बुला लिया, उसकी शाम को आदत नहीं है करने की, तो टाइम के शेड्यूल की वजह से उसकी आंख पकड़ जाती है, फिर कंपनी में किसी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है ना भाई। हाँ जी, तो वर्क शेड्यूल की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके बाद भाई साइकोलॉजिकल कंपनी मतलब कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर पे भी क्या उस पर चोट लग सकती है। मान लो घर से लड़ाई वड़ाई करके आता है या फिर यहाँ पे बहस वहस करता है जिससे लड़ाई हो जाती है, लड़ाई की वजह से भाई कोई चोट चोट लग सकती है, तो इस वजह से साइकोलॉजी की वजह से भी चोटें लग सकती है। दूसरा मशीनरी की वजह से भी चोट लग सकती है, मशीनरी खराब हो गई जिसकी वजह से चोट लगी किसी कंपनी को, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिस वजह से चोट लग सकती है भाई, बहुत आसान चैप्टर है, तुम आराम से कर लोगे, ये तो बना बना के कर सकते। हाँ जी, अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट मतलब कोई ऐसा नियम नहीं बना दिया कंपनी ने जो कि सेफ नहीं है एम्प्लॉयज के लिए, तो इस वजह से चोटें लग सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। कि कंपनी ने बोल दिया इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, वहीं से जाना पड़ेगा आपको जो कि खराब रास्ता है, ठीक है, इस तरीके से। अगला मिसलेनियस एक्ट, कुछ क्या होते हैं दिक्कतें हैं छोटी छोटी जिसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ काम है छोटे छोटे जिसकी वजह से क्या होते हैं दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अनसेफ एक्ट बता देता हूँ ठीक से। अनसेफ एक्ट मतलब होता है कंपनी ने कुछ मतलब कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो सेफ नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे केमिकल्स में हाथ देने का काम होता है उनका, मान लो कोई चीज बना रहे हैं जिसके अंदर मशीनों में काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा घुसना पड़ता है मशीनों के अंदर। मैं हाँ जी, वैसे तो कंपनी ने एक एक्सपर्ट बुला रखा है मशीन को ठीक करने के लिए, मगर जो वर्कर्स हैं वो सोचते हैं हम खुद ही कर लेंगे कंपनी में काम, मतलब ठीक कर लेंगे मशीनों को, है ना भाई। तो इस वजह से अनसेफ एक्ट की वजह से ऐसे काम जो सेफ नहीं है उसको करने की वजह से चोट लग सकती है। अगला मतलब कि मिसलेनियस एक्ट यानी छोटे मोटे जो एक्ट है और भी बहुत सारे काम करने की वजह से चोट लगती है, जैसे कि सेफ्टी पॉलिसी, हमारी सेफ्टी पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी कमेटी ठीक नहीं है सेफ्टी की, हमारी सेफ्टी की इंजीनियर ठीक नहीं है जिन्होंने सेफ्टी के बारे में सोचा वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई, ठीक है भाई। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर मशीन है हमारे पास वो ठीक से काम ही नहीं कर रही है वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, गार्डिंग द मैच, यानी कि कई बार क्या होता है हम मैच गार्ड नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हम, यानी जो एम्प्लॉय है और जो मशीन है वो ठीक से काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो जो नए मशीन जो पुरानी है बहुत तेज पे चलती है स्पीड पे चलती है, लेकिन हम नया नया बंदा लेके आए और मशीन को खड़ा कर दिया, ले भाई बना मन, तो इस वजह से वो ठीक से मैच ही नहीं कर पाएगा मशीनरी को, ठीक है भाई। ये मैच नहीं है भाई, मशीनरी है, MACHINERY, ठीक है। हाँ जी, गार्डिंग द मशीनरी, तो वो ठीक से मैच नहीं कर पा रहा मशीनरी को, तो इस वजह से क्या हो जाता है भाई, लॉसेस हो जाते हैं, आसान है ना मशीनरी को बचाने के चक्कर में, तो गार्डिंग द मशीनरी के चक्कर में क्या होता है, लॉसेस हो जाते हैं। आगे चलते हैं सेफ्टी एजुकेशन ट्रेनिंग, मतलब कई बार क्या होता है भाई, क्या बोलते हैं याद है जब आप 12वीं के अंदर पढ़ते थे स्कूल्स के अंदर या फिर 11वीं 12वीं में, तो फिर वहाँ पे स्कूल्स में होता था भाई वो क्या बोलते हैं आपको सिखाया जाता था, पता नहीं क्या होता था, मैं नाम भूल गया उसका, एक बेल बजती थी सबको सबको, मॉक ड्रिल जिसे बोलते हैं भाई, मॉक ड्रिल, यानी अगर कोई मान लो भूकंप आ गया या फिर कोई आपदा आ जाती है तो फिर उससे कैसे बचाया जाए, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ना स्कूल्स के अंदर बच्चों को। तो वही ट्रेनिंग आपको किसको देनी चाहिए, कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को देनी चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है तो फिर कंपनी में वर्कर्स जो है उनको क्या करना चाहिए, तो सेफ्टी एजुकेशन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, आसान ना। अच्छा, तो ये तरीके हैं जिस तरीके से आप एक्सीडेंट होने से बचा सकते हो इसमें इंडस्ट्रीज के अंदर, सिंपल था भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका टॉपिक, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ठीक है, जो कि मुश्किल से 2 मिनट का होगा, और उसके अंदर क्या है हम सीखेंगे प्रोविजंस, जो इंडस्ट्री एक्ट आया था ना 1948 के अंदर, उस 1948 के अंदर हम जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं अगली क्लिप पे। भाई जिसको नोट करना है नोट कर लेना, ठीक है भाई, ठीक, चलो फिर तो शुरू करते हैं फटाफट से।
ठीक है। हाँ जी, तो बात आती है सेफ्टी प्रोविजंस अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था उसके अंदर सेफ्टी प्रोविजंस क्या क्या रखे गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, सेक्शन 21 से लेके सेक्शन जो 40 है वहां तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझिए ध्यान से, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लोगे फटाफट से। पहला सेक्शन 21 कहता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी की फेंसिंग कैसे करी जाएगी, कवर डेंजर पार्ट्स, यानी कि मशीनरी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो दिखाई दे रहे होते हैं या फिर जो खतरे में के होते हैं, भाई अगर किसी को अंदर हाथ वाथ आ गया या फिर खराब हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे पार्ट्स को आपको कवर कर दो, समझ में आया। हाँ जी, मशीन के ऐसे पार्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको कवर करना पड़ेगा जो कि क्या होते हैं, डेंजर पार्ट्स होते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा वर्क ऑन और नियर मशीनरी एक्ट सेक्शन 22 कहता है, ठीक है, यानी जो अगर आप मशीनरी के आसपास काम करते हो पहले ट्रेनिंग एंड टाइट क्लॉथ, यानी कि ऐसी मशीनरी जिसके आसपास आप काम करते हो, मतलब अगर आप मशीनरी के आसपास काम कर रहे हो कि आपका मशीनरी का ही काम है कि मशीनरी से ही आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है, मशीनरी के साथ काम करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद आपको टाइट क्लॉथ देने पड़ेंगे, ताकि क्या होते हैं ढीले ढाले क्लॉथ होंगे तो मशीनरी फंसने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इस वजह से टाइट क्लॉथ पहनने पड़ेंगे एम्प्लॉयज को। शुरू करते हैं, सेक्शन 23 कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग, यानी जो यंग बच्चे हैं या फिर जो यंग क्या होते हैं, जो वो होते हैं काम करने वाले इंसान जो 18 साल से कम होते हैं, उनके लिए उनसे काम करवाया जाएगा, नो उनसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई छोटा बच्चा है काम करने के लिए तो फिर उससे काम नहीं करवाया जाएगा, सेक्शन 23 कह रहा है भाई। हाँ जी, सेक्शन 24 कहता है भाई स्ट्राइकिंग गियर एंड कटिंग ऑफ पावर, ठीक है भाई, स्ट्राइकिंग गियर मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ ऐसी मशीनरी होती है जो गियर्स पे चल रही होती है या फिर कुछ ऐसी मशीनरी होती है जो पेपर काटने का काम कर रही होती है, समझा ना। हाँ जी, उसके अंदर ब्लेड लगा होता है वो काटने का काम कर रही होती है, तो ऐसी मशीनरी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पहला कह रहा है ड्राइविंग बेल्ट, ये सब मशीनरी किस पे चलनी चाहिए, ड्राइविंग बेल्ट पे चलनी चाहिए, जैसे जो मशीनरी होती है उस पे मशीनरी पे एक बेल्ट होनी चाहिए, बेल्ट की हेल्प से चलनी चाहिए, आसान है। हाँ जी, दूसरी चीज एयर ड्रम, अच्छा बेल्ट अगर मशीनरी का काम है तो बेल्ट लगाई जाएगी, वरना अगर मशीनरी का काम नहीं है तो उस बेल्ट को उतार दिया जाए, आसान, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं, एयर रूम यानी बिना बेल्ट के चलनी पाएगी ना फिर वो मशीनरी। अगला एयर रूम यानी अगर मान लो कोई चीज कटिंग वटिंग हो जाती है, मान लो किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है, तो बगल में एयर रूम भी होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए जिसके अंदर वो इलाज करवा पाए, ठीक है एम्प्लॉय। दूसरा पावर ऑफ, और जैसे ही आप काम छोड़ के जाते हो, जैसे टाइम हो गया, काम खत्म हो गया, सारी एम्प्लॉय जा रही है, ठीक है, तो पावर ऑफ करनी पड़ेगी, लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि मशीनरी कोई चला भी ना पाए गलती से, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब करना पड़ेगा सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 25 कहता है भाई सेल्फ एक्टिंग मशीनरी, कुछ ऐसी मशीनरी है जो अपने आप ही चल रही होती है, सेल्फ एक्टिंग होती है, वहां पे एक बटन दबाया तो प्रोडक्शन अपने आप ही हो रहा है, तो अगर कोई ऐसी मशीनरी है जहाँ पे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है वहां पे, तो जो मशीनरी है उसका जो मूविंग पार्ट है जो अपने आप चल रहा है, मतलब कि कोई पार्ट है जो मूविंग पार्ट है वो 18 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा 18 इंच से ज्यादा दूर नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीनरी इतनी बड़ी है और उस मशीनरी का जो पार्ट है यानी जो अंदर बाहर होता है मूविंग पार्ट वो 18 इंच से ज्यादा जा रहा हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, 18 इंच तक का ही मूविंग पार्ट होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। आगे चलते हैं, सेक्शन 26 कहता है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी लाई हो तो फिर उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, अगर आपकी मशीनरी नई आई है, ठीक है, तो फिर उसको सुपरविजन किया जाएगा, उसको देखना पड़ेगा, यानी कि देखना पड़ेगा कौन सी मशीनरी, जो मशीनरी 1 अप्रैल 1949 के बाद आई है, भाई ये मशीनरी कब बन रही है, देखो एक्ट बना था 1948 के अंदर, हाँ जी, तो जो मशीनरी आप 1949 के बाद खरीद रहे हो उस मशीनरी पे आपको क्या देना पड़ेगा, सुपरविजन देना पड़ेगा कि वो ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, चेक करना पड़ेगा पहले आपको, तब देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, बिना चेक करे एम्प्लॉय को नहीं देनी पड़ेगी, देनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज सेक्शन 27 क्या कहता है भाई, सेक्शन 27 कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड और नियर कॉटन ऑर्गन, यानी ऐसी कोई कंपनी है जो कॉटन में क्या होता है लेन देन करती है, फिर कॉटन का ही उसका काम है, ठीक है, यानी कपड़े कपड़े ये सब चीजें बनाने का काम है उसका कॉटन का, कॉटन से रिलेटेड, तो वहां पे वुमेन को और चाइल्ड को भाई बिल्कुल भी नहीं आना, मना कर रखा है गवर्नमेंट ने कि वुमेन और चाइल्ड काम नहीं कर सकती कॉटन की मिल में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 28 कह रहा है हॉस्टेस एंड लाइट्स, यानी कि जो कंपनी है या फिर उसकी लाइटी वाइटी कैसी होनी चाहिए, वो कह रहा है भाई गुड स्ट्रेंथ की, मतलब कि अच्छी स्ट्रेंथ की लाइटें होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, हॉस्टेस एंड लिफ्ट्स है वो, लिफ्ट्स मतलब जो क्या बोलते हैं उठाना है किसी चीज को, अगर मान लो कोई सामान उठाने उठाने का काम है तो उसके लिए गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम जितना सामान, जैसे मान लो 5 किलो को सामान लेके आना है, 5 किलो सामान उठाना है, तो फिर आप क्या बोलते हैं इसी ऐसी रस्सी से उठा रहे कि भाई जिससे टूट फटने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी रस्सी नहीं होनी चाहिए, मोटी रस्सी होनी चाहिए जिससे भाई वो सामान उठाया जा सके, आसान है। हाँ जी, गुड स्ट्रेंथ से उठाना है ताकि चोट वोट ना लगे किसी को। सेक्शन 29 क्या था भाई, लिफ्टिंग मशीन चेन्स रोप्स, यानी कि ऐसी चीजें देखो कंपनी के अंदर होती हैं, कुछ भारी भारी सामान उठाना पड़ता है, तो उसके लिए लिफ्टिंग के लिए उठाने के लिए मशीन्स होती हैं, चेन्स होती हैं, रोप्स होती हैं, तो ये जो मतलब रस्सियां हैं या फिर जो मशीनें हैं या फिर ये जो चेन्स है ये मोटी होनी चाहिए,
आसान ऐसे यानी कि आसानी से बहुत आसानी से ही इसका वेट उठा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ कि जी हमारे पास जो सामान है उठाने वाला वेट जो है उठाने वाला उसके लिए हाँ इतनी प्रॉपर ठीक रहेगी, प्रॉपर नहीं चाहिए हमें कि भाई प्रॉपर वो मतलब प्रॉपर से ज्यादा चाहिए, समझा कि आसानी से उठा ले वो चीजें, तो ऐसी होनी चाहिए वो चीजें। आगे चले भाई, अगला आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है? रिवॉल्विंग मशीन। रिवॉल्विंग मशीन क्या रखेगा भाई? नोटिस ऑफ मैन स्पीड, सॉरी नोटिस ऑफ मैक्स स्पीड, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अगर कोई ऐसी रिवॉल्विंग मशीन है जो अपने आप ही चल रही है, ठीक है, यानी कि अपने आप ही कर देगी प्रोडक्शन, तो उसकी मैक्स जो स्पीड है उसका नोटिस लगाना पड़ेगा कि मैक्स स्पीड से ज्यादा ना चली जाए, यानी जितनी उसकी मैक्सिमम स्पीड है उसका नोटिस लगा दो कि इससे ज्यादा उस मतलब कि मशीन को नहीं चलाना, समझ। हाँ जी, तो मशीन की मैक्स स्पीड का नोटिस लगाना चाहिए कि भाई इस स्पीड से ज्यादा मशीनरी को कहीं चलाना नहीं है। आगे चलते हैं भाई, सेक्शन 31 क्या आता है? प्रेशर प्लांट, यानी कि ऐसा कोई प्लांट है जो प्रेशर का काम करता है, जैसे गाड़ी वाड़ी पिचकाने का काम होता है ना भाई। हाँ जी, तो कोई प्रेशर देने का काम करता है, जिस पर दबाने का काम करता है, वहां पे सेफ्टी होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय कहीं पर दबदा वा गया है भाई कंपनी में, ठीक है। हाँ जी, तो प्रेशर प्लांट के नीचे, तो इस वजह से भाई सेफ्टी होनी चाहिए अच्छे वाली, ठीक है सर। हाँ जी, आगे बस इतना बताया था सेफ्टी होनी चाहिए अच्छी वाली। अगला कहता है 32 सेक्शन। सेक्शन 32 क्या कहता है? फ्लोर स्टेयर्स मींस ऑफ एक्सेस, यानी कि ऐसे फ्लोर्स या फिर ऐसे स्टेयर्स जिनमें बार बार आना जाता जाना रहता ही है किसका, एम्प्लॉयज का, वो साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और नॉन स्लिपरी होने चाहिए, यानी फिसलने वाले नहीं होने चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय फिसलता रहे उस पर, ठीक है। हाँ जी, सेक्शन 36 कहता है पीट स्टम ओपनिंग, यानी कि जो कल वो होता है बाथरूम या फिर इन सब का ओपनिंग होता है या फिर जो स्कम का ओपनिंग होता है कह रहा हूँ या फिर जो वेस्ट होता है जो हमारा लैट्रिन बाथरूम का जो ओपनिंग होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए टैंक अलग से बना होता रहना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, 34 सेक्शन क्या कहता है? एक्सेसिव वेट, यानी बहुत ज्यादा वेट, सॉरी भाई, ठीक है। हाँ जी, हो जाता है एक्सेसिव वेट, बहुत ज्यादा जो वेट है ना भाई वो नहीं होना चाहिए, यानी किसी कंपनी में अगर बहुत ज्यादा वेट होगा काम करवाया जा रहा तो वो नहीं होगा भाई, नहीं करवाना, ठीक है। हाँ जी, बहुत ज्यादा वेट होगा काम किसी भी क्या बोलते हैं कंपनी, कह रहा हूँ किसी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं होगा, ठीक है, वो काम कंपनी वाले करते हैं, वो अलग से कंपनियां होती हैं उसके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट लाइसेंस अप्रूव करती है, तो फैक्ट्रियों के अंदर बहुत ज्यादा वेट होगा काम किसी भी एम्प्लॉय से नहीं करवाना, वो मशीन ले जाते हैं, मशीनों से करते हैं, एम्प्लॉय से नहीं करवाना कुछ भी। अगला सेक्शन 35 प्रोटेक्शन आई, आई की प्रोटेक्शन के लिए भाई जो ग्लासेस है ना वो पहने होने चाहिए, वही बढ़िया वाले, यानी कोई से भी ग्लासेस पहन लिए बढ़िया प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस पहने होने चाहिए। अगला सेक्शन 36 डेंजर गैसेस, डेंजर गैसेस से बचने के लिए भाई बिल्कुल भी नहीं, नो एम्प्लॉय से कोई भी डेंजर मतलब ऐसी गैसेस से में काम नहीं करवाया जाएगा जो डेंजर है, हार्मफुल है, इसमें हाँ जी डेंजर गैसेस में काम नहीं करवाया जाएगा। अगला सेक्शन 36 ए क्या कहता है? 36 ए पोर्टेबल लाइटिंग, यानी कि ऐसी लाइटिंग जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, क्या वो रख सकते हैं? हाँ जी, वो कहता है नहीं हम नहीं रख सकते, लेकिन हाँ 25 वॉट से अगर कम है तो रख सकते हैं, समझ में। यानी अगर 25 वॉट से अगर ज्यादा हो, पोर्टेबल लाइटिंग वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप रखना भी चाहते हो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं तो 25 वॉट की लाइटिंग होनी चाहिए, उससे ज्यादा भारी वॉट की लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, आसान भाई। हाँ जी, जो मतलब लाइटिंग होती है जैसे यहाँ पे तो फिक्स है, फिक्स लाइटिंग होनी चाहिए कंपनियों के अंदर, पोर्टेबल लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है उलझ उलझ के मतलब मान लो जो उसकी तारी तारी होती है उसमें उलझ के एम्प्लॉय फंस गया, करंट वरंट लग गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो पोर्टेबल लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगला एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव 37, यानी कि अगर आप 37 सेक्शन कहता है, अगर आपका काम एक्सप्लोजिव का है तो वहाँ पे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपर्ट होने चाहिए वहाँ पे, क्या बोलते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो चेक कर रहे हो कि भाई एक्सपर्ट ठीक काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा। सेक्शन 38 कह रहा है प्रिकॉशंस इन फायर, अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है तो क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? पहला एस्केप रूट आपका फिक्स होना चाहिए भाई, जैसे आग लगती है आप इस रूट से जाओगे वापस, ठीक है। वार्निंग आपको सीधा एक वार्निंग देनी पड़ेगी, साइलेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि हाँ आग लग चुकी है भागो बराबर, और वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुनाई दे लोगों को। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी के अंदर होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह पे ताकि आग बुझाई जा सके। उसके बाद कॉल, सीधा आपको इमरजेंसी में कॉल करना है 901 मतलब 101 102 और 100 पे, ठीक है, इन तीन नंबर पे। आगे चलते हैं सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर क्यों भाई? सेक्शन 40 कह रहा है सेफ्टी ऑफिसर, कोई भी कंपनी जिसके अंदर 1000 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पे सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी है, आसान है। 1000 से नीचे वाले भी रख सकते हैं मगर कोई सेफ्टी ऑफिसर तब जरूरी है जब 1000 से क्या बोलते हैं ऊपर वर्कर काम करो तब मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है पूरा चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 13। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं पूरी बुक के तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, नंबर दे रखा है 8059639586, आराम से 8059639586, ठीक है। हाँ जी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सही में भाई जिन्होंने सब्सक्राइब रखा ना भाई साहब दिल से कलेजे से गुर्दों से फेफड़ों से भाई शरीर के अंग अंग से थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं किया कोई नहीं आराम तो कर दिया बाद में, हम भी यही हैं आप भी, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।
नोट कर लेना भाई, जिसको नोट करना हो। टाटा बाय बाय।